नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। विकासखंड उरुवा अंतर्गत ग्राम सभा छतवा में करीब 200 मीटर लंबे रास्ते पर दबंगों द्वारा सड़क के किनारे चहारी दीवारी चुनवा लेने पर हो रही आवागमन में बाधा से कई ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सिरसा से लगा हुआ ग्राम सभा छतवा की हरिजन बस्ती से निषाद बस्ती तक आने जाने वाले मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा मार्ग से सटाकर चहार दीवारी खड़ी करने से ग्रामीणों को दैनिक जीवन में आ रही समस्या जैसे किसी के बीमार होने या महिलाओं की डिलीवरी के समय एम्बुलेंस या चार पहिया वाहन को आने जाने में हो रही समस्याओं के मद्देनजर फूल कुमारी के नेतृत्व में ग्रामीणों के समूह द्वारा सूबे के मुखिया व जिले के मुखिया सहित माधत अधिकारियों को कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने अपने जन समूह के साथ गाँव में ही अपनी मांग को उठाने का प्रयास किया। बता दें कि जहाँ एक और योगी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर कई तरह के प्रयासों से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, वहीं ग्रामीणों द्वारा की गई इस शिकायत पर नजर नहीं दी जा रही है, जो कहीं ना कहीं उनकी अतिक्रमण मुक्त कार्य योजना पर विफल नजर आ रही है। ग्रामीणों के इस मांग में उपस्थित अमन वर्मा, काजल देवी, उमाशंकर, लक्ष्मण निषाद, रामबली, कुसुम, सुनीता देवी, अभय कुमार, राजकुमारी, सोमदेव एवं संतोला देवी सहित ग्रामीणों में कई महिलाएं व पुरुष एकत्रित रहे। समस्याएं हैं आपकी? समस्या हमारी है कि मैं जिला बोले इलाहाबाद जिला प्रयागराज मेजा तहसील छतवा से समारोह, और हमारा समस्या है कि मेरी कोई बीमारी हो जाता है, डिलीवरी होती है, बीमार भी हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आती है, और फिर भी कोई ऐसा नहीं पास जा सकते। हम लोग सारी रिपोर्ट देती है, हम लोग को कोई सुनाई नहीं है, आने जाने में हम लोग के तकलीफ है। क्या सड़क मार्ग ठीक नहीं है आपके? नहीं ठीक है। आपका नाम? दुर्गावती देवी। क्या समस्या है आप लोगों? सर हमारे यहाँ समस्या रोड की है, किसी भी कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं आना पड़ती, किसी भी बहन बेटी की सगाई होती तो वहाँ घर पे गाड़ी नहीं आ पाती। लगभग कितने दूरी का है ये मार्ग? ये मार्ग करीब सर 200 मीटर का है। 200 मीटर तो आप लोगों ने इसकी शिकायत डीएम के पास गए, डीएम के पास गए, लखनऊ भी गए लोग, सीएम तक के पास भी पहुंचे, हाँ। फिर भी आप लोगों को नहीं सर? नहीं। आपका नाम? शशिकांत। जी हाँ सर, मैं ग्राम छतवा हरजन बस्ती से बोल रहा हूँ, थाना मेजा जिला प्रयागराज से। मेरा नाम पप्पू है। यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, हमने जो है हर जगह एप्लीकेशन लखनऊ से लेकर के एसडीएम, डीएम, थाना इंचार्ज और लोगों के पास मैंने गया, मुख्यमंत्री वो जो है यहाँ के जो विधायक उदायक हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बहन बेटी उस रास्ते से पूरा ब्लॉक कर रखे हैं कुछ दबंग लोगों ने, जैसे कि भोलानाथ मास्टर हैं, कैलाश नाथ और जो है लाल मणि ठेकेदार सुजीत गोविंद लाल, इन लोगों ने दबंग लोगों ने रास्ता को ब्लॉक कर रखा है। हमारी बहन बेटी अगर वहां से जाते हैं तो जाने नहीं देते हैं, रास्ता को पूरी ब्लॉक कर रखे हैं। उसके बाद हम लोगों के गंगा किनारे बगल बगल के से लेकर अपने बहन बेटी को लेकर लाद करके फिर वहां तक पहुंचाते हैं हम लोगों ने उनके दरवाजे के आगे तक। इस तरह से हमारी अगर आवाज़ हर जगह जाती है तो हमारी समस्या को तुरंत यहाँ के रास्ता का समाधान किया जाए। आपने जिन भी सक्षम अधिकारियों को अपना ये दर्द बयां किया, उन लोगों के द्वारा आपको कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ आश्वासन नहीं दिया। अभी मैं तहसील दिवस पे कल गया था तो एसडीएम साहब ने जो है वहाँ बोले कि चलो हम एक दो दिन में आते हैं, यही आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई आने की जरूरत यहाँ जगह नहीं आता हमारे ग्राम में, और यहाँ के पाबंदियाँ बनी हुई है, जनता हमारी परेशान है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, चौकी इंचार्ज भी जो है कोई कुछ नहीं कर रहे, हमारी जनता काफ़ी परेशान है ग्राम छतवा हरजन बस्ती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू जैसल है। हमारा समस्या है गांव सभा छतवा में, हमारे रास्ता के बहुत दुखदाई है, इस कारण से हम सोच रहे हैं कि हमें सभी लोग से हम वो कर रहे हैं, सभी आदमी से हमने वो कर रहे हैं कि हमारा हल हो जाए, छतवा का मैटर हमारा हल हो जाए, हमारे आने जाने की दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस तक नहीं आती है हमारे यहाँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ हाँ, हमने शिकायत सबने डीएम को दे दिए और लखनऊ भी गए थे, हमने मेजा में एसडीएम को दिए हैं, हमने सिरसा चौकी चार्ज को दिए हैं, हमने सभी जितने विधायक लोग हैं सबको हमने दे चुके हैं। समस्या का समाधान नहीं है? नहीं हुआ। आपका पर्चे? हमारा फूल कुमारी नाम है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए यूएफटी लाइव टीवी के साथ।